प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है। काशी को सौगात देंगे पीएम मोदी। 380 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। बता दें कि 2874 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। 90 करोड़ की लागत से बना आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय, शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती रहेंगे मौजूद। वाराणसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की नींव भी रखेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन, कई सुविधाओं का भी लोकार्पण होगा। बता दें कि शीघ्र स्पोर्ट्स स्टेडियम से योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 20,000 से अधिक लोगों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम। आज वाराणसी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी 300 बेड के शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। यूपी का यह सबसे बड़ा आंखों का अस्पताल होगा। यह अस्पताल कांची कामकोटी पीठम की ओर से वाराणसी में खोला गया है। उद्घाटन के मौके पर कांची पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती भी मौजूद रहेंगे। अक्टूबर को पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं और इसी दिन वाराणसी को यूपी के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल की सौगात मिली। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य की मौजूदगी में प्रधानमंत्री यूपी के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इट्स अ वेरी बिग डे फॉर अस, हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आना ही इटसेल्फ बहुत बड़ा हो जाता है। एंड प्रधानमंत्री जी के साथ तो चीफ मिनिस्टर जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, साथ साथ में हम शंकराचार्य भी आ रहे हैं, तो इन तीनों का एक साथ आना इज आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे आँख का पूरा इलाज संभव होगा। वी हैव ऑल स्पेशलिटीज, सारे आँख के जो स्पेशलिटीज होते हैं लाइक आँखों के ट्यूमर्स, कैंसर्स, कॉर्निया मतलब काला पुतली का प्रॉब्लम्स, ग्लॉकोमा, कैटरैक्ट दैट इज मोतिया, उसके बाद रेटिना का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, बच्चों का आँखों का प्रॉब्लम जिसको पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो सब इसमें अवेलेबल है। सो एंड वी हैव कंसल्टेंट्स एट दैट लेवल हियर, सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो एवरीथिंग जो भी ऑफ्थल्मोलॉजी में आपको चाहिए वो सब एक ही छत के नीचे हो जाता है। सो पेशेंट्स को यहाँ वहाँ भटकने का जरूरत नहीं पड़ती। अस्पताल में 9 ऑपरेशन थिएटर के साथ ओपीडी और मरीजों को भर्ती करने की भी सुविधा होगी। अस्पताल में हर साल 30,000 गरीब लोगों के आंखों की मुफ्त सर्जरी का लक्ष्य रखा गया है। अस्पताल क्रॉस सब्सिडाइजेशन मॉडल पर काम करेगा जिसमें भुगतान करने वाले मरीजों से मिले पैसों को जरूरतमंद मरीजों के उपचार पर खर्च किया जाएगा। करीब 110 करोड़ की लागत से तैयार यह अस्पताल यूपी में आंखों का अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। अस्पताल में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड जो मशीनें हैं, सबसे अत्याधुनिक मशीनें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और आई स्कैन से लेकर के ये लेज़र तक की सुविधाएं जो हैं वो इस अस्पताल को उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही ये सपना रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बेहतर पूर्वांचल को दी जाए, तो उस कड़ी में एक मील का पत्थर शंकरा आई हॉस्पिटल शामिल होने वाला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है जिसके जरिए आँखों का इलाज संभव हो पाएगा। इसके अलावा बी स्कैन मशीन, ये जो मशीनें हैं ये उत्तर प्रदेश में बेहद कम जगहों पर थी पर अब वाराणसी में सबसे बड़े आई हॉस्पिटल पर ये मशीनें उपलब्ध होंगी। जब आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये आई स्कैन मशीन है, इसकी मदद से पूरी आंखों को स्कैन किया जाएगा, तो ये सारी मशीनें यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई हैं। यह अस्पताल वाराणसी समेत पूर्वांचल और आसपास के राज्यों के मरीजों के लिए बड़ा वरदान माना जा रहा है। शंकरा आई हॉस्पिटल में एक साथ कई मरीजों की अत्याधुनिक मशीनों से जांच की व्यवस्था की गई है। आई हॉस्पिटल में मरीजों की जांच को लेकर इलाज तक अत्याधुनिक मशीनों से किया जा रहा है। मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में आने के बाद आंखों के इलाज के लिए मरीज को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शंकरा आई हॉस्पिटल जो वाराणसी में खुलने जा रहा है, आम जनमानस को समर्पित हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों से उस आम जनता का इलाज हो रहा है जो इतने बड़े अस्पताल में आने का कभी सपना देखा करते थे, पर आज एक बहुत ही वाजिब दाम में इन्हें अत्याधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे साथ वो डॉक्टर्स हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि कितना ज़्यादा
अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं और इससे आम जनता को कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस संकराई हॉस्पिटल से। संकराई हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपको एक बार आप यहाँ पहुँच गए मतलब आँख की कोई भी आपकी प्रॉब्लम है पूरी सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत और सबसे कम पैसे पे हर कुछ की व्यवस्था है। जिनके पास पैसा नहीं भी हो उनको हम लोग कैंप्स के थ्रू पूरी फ्री व्यवस्था देते हैं। तो ए टू जेड सब व्यवस्था है यहाँ पर, हर कुछ, हर आँख मतलब कुछ भी है यहीं पे आना है और कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो आप समझ सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं उनका भी इलाज इस अत्याधुनिक अस्पताल में हो पाएगा और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था जो आज उनके संसदीय क्षेत्र से पूरे देश में पूरा हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज टेट, वाराणसी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले काशी के वेंडर्स को बड़ी सौगात देंगे। भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ में ठेले पर दुकान लगाने वाले 286 वेंडर्स को निशुल्क हेरिटेज ठेला दिया जाएगा। दरअसल सारनाथ में वेंडिंग जोन को लेकर काफी दिनों से कवायद चल रही थी लेकिन स्थान नहीं मिल रहा था। इस बीच नगर निगम ने आकाशवाणी तिराहे से चौखंडी स्तूप तक वेंडिंग जोन घोषित करते हुए दुकानदारों को आबाद कर दिया है। सारनाथ में बता रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए पुनर्वास के कार्यों से पर्यटन के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। विश्व बैंक की मदद से प्रोपुअर प्रोजेक्ट का कार्य हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सौगात है जो कि हम लोगों को 2-3 साल पहले सिगरा स्टेडियम में बोले थे कि सारनाथ में जो है कि बेंडिंग कार्ड, मॉडल बेंडिंग कार्ड बना करके दिया जाएगा। आज हम लोगों को बहुत खुशी अपार है हमारे सभी साथियों को जो कि यहाँ के वेंडरों को बेंडिंग कार्ड मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। और प्रधानमंत्री से मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी पर्यटक स्थल या अन्य शहरों में, वाराणसी में भी जहाँ भी बेंडिंग जोन अभी नहीं बनाया गया है और बेंडिंग जोन नहीं बन पाया है तो वहाँ पर भी वेंडरों को बेंडिंग कार्ड बनाकर देने की कोशिश करें। हम हैंडीक्राफ्ट का दुकान लगाते हैं, हमें ये हैंडीक्राफ्ट की दुकानें मिली हुई हैं, विश्व बैंक ने दिया है। हम लोग को आजीविका चलाने के लिए हमें बहुत बड़ी सौगात मिली है। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। इनमें प्रो पुअर योजना के तहत सारनाथ के सुंदरीकरण, साथ ही सारनाथ में स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उन्हें इस तरीके से वेंडिंग ट्रॉली दी जा रही है जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं वेंडिंग ट्रॉली है, फैन है, लाइट्स है। इसके साथ इस तरीके से 280 वेंडरों को इस तरीके से ट्रॉली जो है बिल्कुल मुफ्त में प्रदान की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वादा था कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए वो मुफ्त में इस तरीके से जो ट्रॉली है, दुकानें हैं वो देंगे और दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वादा निभा रहे हैं और काशी के सारनाथ में वेंडरों को इस तरीके से वेंडर ट्रॉली दी जा रही है, वेंडर कार्ड दिया जा रहा है ताकि वो रोजी रोटी में कमा सके और आगे बढ़ सके। तो फिलहाल जो यहाँ के वेंडर्स हैं बेहद खुश हैं कि विश्व बैंक की सहायता से जो प्रोपुअर योजना है वो किस तरीके से वाराणसी में लागू हो रही है। एक तरफ वेंडर्स को अपनी दुकानें मिल रही हैं तो दूसरी तरफ सारनाथ के सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो आप सारनाथ के सौंदर्यीकरण को देख सकते हैं किस तरीके से सारनाथ को सजाया गया है, किस तरीके से जो पर्यटन उद्योग है वो आगे बढ़े इसका पूरा ध्यान जो है वो वाराणसी में दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो अब बुद्ध की इस नगरी में भी किस तरीके से नजर आ रही है वो साफ साफ दिखाई देता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8, वाराणसी।